हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्पेशली फॉर द टिस्नेट। आज का वीडियो है डीआई का पार्ट टू, टिस्मैट। टिस्मैट डीआई पार्ट टू, तो पार्ट वन ज़रूर देख लेना। तो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के डिटेल दिए गए हैं। ए गिवन बार ग्राफ शो द नंबर इन थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, एंड लाइन ग्राफ शो द परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट बाई ए कंपनी ओवर द 2013 टू 2017। ये अनसोल्ड के परसेंटेज दिए गए हैं लाइन ग्राफ में, और ये कितने मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं ईयर बाई ईयर, उसका ग्राफ दिया गया बार ग्राफ में डिटेल, और ये लाइन ग्राफ में अनसोल्ड परसेंटेज का। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे हमें, What is the average number of product sold in over the year of 2013 to 2017? हमें यहाँ पे एवरेज पूछा जा रहा है 2013 to 2017 का, किसका, जो प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं, जो प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं उनका। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज दे दिया गया है 20% दो 2013 में अनसोल्ड हुए हैं, 35% 2014 में अनसोल्ड हुए हैं, 2015 में 18% अनसोल्ड हुए हैं, और 22% अनसोल्ड हुए हैं 2016 में, 2017 में 15% अनसोल्ड हुए हैं। तो हमें मालूम है कि कोई भी नंबर्स अपने आप में 100% होता है, 100% होता है ना। तो 100% से हम 20% अनसोल्ड गुड को माइनस कर देंगे, अनसोल्ड परसेंटेज को माइनस कर देंगे 100 आउट 20% से अनसोल्ड, यानी 20% क्या है अनसोल्ड परसेंटेज, और टोटल परसेंटेज है 100। तो जब अनसोल्ड को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा सोल्ड का, तो 80% सोल्ड हुआ है। तो वैसे ही करके 2014 का हम निकालेंगे 100 आउट 35, यानी कि देख लेते हैं 100 आउट 35% माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 65। तो ऐसे ही करके सबका हम सोल्ड परसेंटेज निकाल देंगे। अनसोल्ड तो दिया गया है, लेकिन हमें किसका एवरेज निकालना है, सोल्ड परसेंटेज का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सोल्ड परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 80% यानी कि सोल्ड हुआ है अपॉन 100%, और टोटल मैन्युफैक्चर्ड क्या हुए थे, टोटल मैन्युफैक्चर्ड से ही ना देखेंगे कि सोल्ड कितना हुआ अनसोल्ड कितना हुआ, जितने भी मैन्युफैक्चर हुए थे। तो 2013 में कितने मैन्युफैक्चर हुए थे 30, और नंबर इन क्या दिया गया है, नंबर्स इन थाउजेंड, यानी कि 30,000। तो इनटू 30,000 इनटू 30,000 1 2 3 4 5 30,000। तो इसको सॉल्व करेंगे, 30,000 का 80% सोल्ड हुआ था क्योंकि 20% अनसोल्ड हुए थे, तो ये जीरो से ये जीरो काट देंगे और बचे हमारे हाथ में आपके 0,000,24,000। पहला ईयर सोल्ड हुआ है। तो जैसा कि पहला ईयर में हमें डाटा मिल गया 24,000 जो मैन्युफैक्चर्ड में सोल्ड हुए थे, वैसे करके हमें सारे ईयर का निकालना है। वैसे तो यहाँ पे स्पेस की कमी है तो इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, और एक ईयर का सॉल्व करके बता देता हूँ कि 2014 का क्या करना है। तो 2014 जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जो अनसोल्ड है उसे माइनस कर देंगे तो सोल्ड का निकल जाएगा। तो सोल्ड का क्या होगा, 65% अपॉन 100, जैसा कि परसेंटेज में होता है, इनटू कितने मैन्युफैक्चर्ड हुआ था 35, एंड इन थाउजेंड है तो 35,000 हो जाएगा ये, एंड 35,000 लिख देंगे। अब इस डबल ज़ीरो को डबल ज़ीरो से काट देंगे और ये हो जाएगा 350 इनटू 65, तो ये हो जाएगा 22750। तो जैसा कि टू ईयर का मैं निकाल के बता दिया आपको, आप तीनों ईयर का निकाल लेना जैसे मैं आपको सिखाया हूँ। तो डायरेक्ट चलते हैं अब आंसर क्या होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए सेकंड ईयर का हम टोटल निकाल देंगे। पहला ईयर का हमें डाटा मिल गया है 24,000,
तो सारे ही ईयर का मैंने आपको जो सोल्ड डाटा थे वो कैलकुलेट कर लिया, जो मैन्युफैक्चर से सोल्ड निकाले थे, तो पहले ईयर का ये रहा, दूसरा 2013, 14, 15, 16 एंड 17, और डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा क्योंकि हमें एवरेज पूछा गया, तो टोटल प्लस करके जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 28766, तो 28766 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि डबल डाटा था, इसमें लाइन ग्राफ भी थे, बार ग्राफ भी थे, तो इसलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी 2014, 16 एंड 17। हमें एवरेज बताना है कि कौन कौन से ईयर का एवरेज लेना है मैन्युफैक्चर्ड का, तो वो है 2014, 2014, 16, 2014 एंड 16 एंड 17। ये 3 ईयर का हमको एवरेज आपको बताना है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी 2014, 16 एंड 2017 का। तो इन 1000 में दिया गया है, आपको मालूम है, तो 1000 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अगर प्रॉब्लम ना, तो मैं लिख ही दे रहा हूँ आपको 1000 में ही। 3500 प्लस 4200, नो सॉरी फ्रेंड्स, फोर, क्योंकि हमको 16 का पूछा गया है, तो 16 का होगा 28,000, 28,000 होगा प्लस 28,000 प्लस 48,000, 48,000। और हमें क्या पता है कि एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, तो सम डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 3। तो 3 को तीनों प्लस करेंगे, तो सभी को प्लस किए, डिवाइडेड बाई 3 कर दिए, प्लस करने से ये वैल्यू आया, डिवाइडेड बाई 3 किए तो 37,000 हमारा एवरेज निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ ए करेक्ट आंसर। ये 0,0 लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको 1000 में वैल्यू करने आता हो तो 35 प्लस 28 प्लस 48 को डिवाइड करके भी 1000 बना दो, तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पाई चार्ट पे है, परसेंटेज दिया गया है और रेशियो का भी दिया गया, लेकिन इसमें मैनेजमेंट बोलकर वर्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर ये सॉल्व करके जाते हो तो आपको इजी लगने लगेगा कोई सा भी क्वेश्चन, या इसी क्वेश्चन में आप मैनेजमेंट, डीआई के मैनेजमेंट वाली बातें लिख दो, कंपनीज के सेल्स प्रॉफिट्स, कंपनी ए कंपनी बी, तो वही हो जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था इसलिए मैं इसको चुना हूँ। तो पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 स्कूल। टोटल नंबर परसेंटेज बताया जा रहा है इसमें पाई चार्ट में इन 5 स्कूल का। तो 5 स्कूल का कलर देख लो, ऑरेंज है फॉर द पी, ये जो ऑरेंज है आपको दिख रहा है ये पी का है, शायद यहाँ पे दिया गया है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये ग्रीन है आर का, क्यू है आपका ये येलो जैसा है क्यू, और ग्रीन है आर का, और ब्राउन है एस का, एंड टी है ये जो ब्राउन टाइप का ही है टी इसका। तो ये सारे आपके जो कलर्स के बारे में दिए गए मैं बता दिया हूँ आपको, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और परसेंटेज दिया गया था, टेबल रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लोकल स्टूडेंट एंड नॉन लोकल स्टूडेंट। अब इसी बेसिस पे जो ये पी क्यू आर एस टी है, जो स्कूल है, इसमें जो नंबर्स दिए गए, परसेंटेज दिए गए, उसमें अब बोला जा रहा है कि इस इतने जो 24% स्टूडेंट मान लेते हैं, उसमें उस वैल्यू के जो रेशियो दिया गया है, उसमें लोकल स्टूडेंट का रेशियो 5 है एंड नॉन लोकल स्टूडेंट का रेशियो 3 है पी का, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ। और टोटल नंबर स्टूडेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 स्कूल इज 8,000। टोटल नंबर कितने स्टूडेंट है, यानी कि 5,000। ये पूरे जो परसेंटेज दिखा रहा है ना,
ये सारे मिलाकर टोटल है 8000 स्टूडेंट है टोटल। अब क्वेश्चन कैसा बनता है, ये जो पाई चार्ट, रेशियो, परसेंटेज सब इसमें मिक्स्ड हो गया है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन को मैं अप करता हूँ ताकि स्पेस मिले हमें। तो क्वेश्चन है, आउट ऑफ द टोटल लोकल स्टूडेंट ऑफ स्कूल पी 40% आर गर्ल। टोटल लोकल स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल पी, स्कूल पी 40% आर गर्ल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लोकल गर्ल्स एंड नंबर ऑफ द लोकल बॉय इन द स्कूल पी। तो टोटल जो भी स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट क्या है, 8000, ये तो हमें मालूम है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं स्कूल पी में, वो तो सबसे पहले हमें निकालने की ज़रूरत है। तो टोटल नंबर स्टूडेंट है 8000 एंड आउट ऑफ 24% 8000 का है स्कूल पी में स्टूडेंट, तो वो 24 लिख देंगे यहाँ पे, अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये इससे दोनों जीरो कट जाएंगे एंड 24 इंटू 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1920 आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है स्कूल पी में। अब तो हमें मालूम चल गया कि 24% यानी कि जो स्कूल पी का वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें पढ़ते हैं स्टूडेंट है, वो 1920 है, यानी 1920 स्टूडेंट हो गए। अब क्या बोला गया है, स्कूल पी में 40% आर गर्ल लोकल स्टूडेंट। अब देखो लोकल स्टूडेंट यहाँ पे बोला जा रहा है, लोकल स्टूडेंट ऑफ स्कूल पी इज 40% आर गर्ल। अब देख लो लोकल का रेशियो हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें लोकल स्टूडेंट की बात हो रही है। लोकल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल पी 40% आर गर्ल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लोकल गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ लोकल बॉय इन द स्कूल पी। तो हमें लोकल का पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। ये तो हमें मालूम चल गया कि 1920 टोटल स्टूडेंट है और इसमें से लोकल स्टूडेंट कितना है, तो रेशियो कैसे निकालते हैं, नीचे प्लस कर देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 853 प्लस 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। और हमें किसका डाटा लेना है, तो लोकल का, तो ऊपर में 5 आ जाएगा, 3 नहीं आया क्योंकि हमें क्वेश्चन में नॉन लोकल नहीं पूछा गया, तो 3 नहीं लिखे हैं हम, तो 5/8 इसे सॉल्व करेंगे तो 1200 आ जाएगा। 8 से 245 और 240 में डिवाइड किए 1920 को और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1200, यानी कि स्कूल पी में टोटल स्टूडेंट थे 1920, जिसमें से लोकल स्टूडेंट कितने थे, लोकल स्टूडेंट का 5 रेशियो था तो लोकल स्टूडेंट 1200 है, 1200 है लोकल स्टूडेंट। एंड 1200 में आपका क्या बोला गया है, पी 40% आर गर्ल, 40% गर्ल है टोटल लोकल स्टूडेंट में, 40% गर्ल है। फिर देखो क्या क्वेश्चन का आंसर क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, हमें यहां पे ढूंढना क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लोकल गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ लोकल बॉय इन स्कूल पी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 12 का 40% निकालेंगे तो लोकल गर्ल्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू आपका लोकल बॉय का होगा, रिमेनिंग वैल्यू लोकल बॉय का हो जाएगा और रिमेनिंग लोकल बॉय एंड लोकल गर्ल का डिफरेंस पूछा गया है, हमें केवल लोकल बॉय का क्वांटिटी नहीं पूछा गया, लोकल गर्ल एंड लोकल बॉय का डिफरेंस पूछा गया। तो पहले तो लोकल गर्ल्स का टोटल निकालते हैं, तो लोकल गर्ल कितने होंगे देखते हैं, 0 ये हो गया 0, 4 2 8 होगा 4, 480 आपके लोकल गर्ल है, 480 लोकल गर्ल्स है हमारे पास, 480 लोकल गर्ल्स हैं। तो 1200 टोटल गर्ल्स बॉयज़ का तो रेशियो था ही, 1200 जब हमारे पास लोकल गर्ल हैं तो 480
80 माइनस करेंगे तो हमारे पास लोकल बॉय आ जाएंगे, तो लोकल बॉय आ जाएगा ये 2, और ये कैरी किया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 7720। तो पी जो 40% गर्ल्स थे और 60% यानी कि जो रिमेनिंग वैल्यू होगा वो बॉयज़ होगा। अब देख लो दोनों का निकाल लिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लोकल गर्ल्स एंड लोकल बॉय। तो डिफरेंस बिटवीन लोकल गर्ल्स एंड लोकल बॉय क्या हो जाएगा, 720 बॉयज़ का वैल्यू है एंड गर्ल्स का वैल्यू है 480। तो डिफरेंस बिटवीन लोकल गर्ल्स एंड लोकल बॉय देख लेते हैं, 0 ये 4 ये 2, 240 दोनों लोकल बॉय एंड लोकल गर्ल का डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया, ऐसे करके डाटा भी दे सकता है आपको पाई चार्ट से, रेशियो से, ऐसे ऐसे करके। आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने में ही टाइम जो लगेगा आपको लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन हार्ड तो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप डाटा को समझ रहे हो जो भी आपका डिटेल दिया गया है तो आपको करने में। और हाँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको आसान से आसान क्वेश्चन जो DI का आपको हार्ड ही लगेगा। तो क्वेश्चन अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, पढ़ना है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे और एक क्वेश्चन में रखा हूँ। तो देखो यहाँ पे बोला गया है, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लोकल स्टूडेंट ऑफ स्कूल क्यू। ठीक है, स्कूल क्यू का लोकल स्टूडेंट यानी कि लोकल का वैल्यू क्या है, 3:3 है। एंड द नंबर ऑफ नॉन लोकल स्टूडेंट इन द स्कूल एस, स्कूल एस का नॉन 3 है एंड क्यू का भी 3 है। अब कुछ कुछ ऐसा मत करना कि 3:3 1 हो जाएगा या नॉन ऑफ द अबव लिखा रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, नॉन ऑफ द अबव में राइट मार दोगे, तो ये ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसको पढ़ना जरूरी है। फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ द लोकल, नंबर्स हमने निकाला ही नहीं तो आप डायरेक्टली कभी भी आंसर नहीं कर पाओगे, तो नंबर्स निकालना बहुत ही जरूरी है। तो नंबर्स निकालेंगे, क्यू का परसेंटेज क्या दिया गया है, क्यू का परसेंटेज, क्यू जो कि ये पीला वाला है, क्यू का परसेंटेज हमारा है 30%। किसका, 80,000 का, 8,000 का, सॉरी फ्रेंड्स, 8,000 का 30% क्या होगा, ऐसे करके टोटल पहले निकाल देना है, टोटल पहले निकाल देना है। तो टोटल पहले निकालते हैं, तो टोटल क्यू में, क्यू स्कूल में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, टोटल क्यू स्कूल में टोटल आपके बच्चे जो हैं वो है 2400 टोटल है। लेकिन और एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है लोकल एंड नॉन लोकल का, तो हमें यहाँ पे किसका पूछा गया है, नंबर ऑफ द लोकल स्टूडेंट इन स्कूल क्यू, लोकल यानी कि 3:3, और सेकंड वाले में देखो नॉन लोकल पूछा गया है एस का। तो जो भी लोकल का रेशियो क्या हो जाएगा, 2400 से 2400 टोटल दिए गए हैं, और हमें रेशियो किसका निकालना है, नंबर्स किसका निकालना है, लोकल स्टूडेंट का। तो लोकल के लिए ऊपर 3 रख देंगे क्योंकि हमें लोकल का जरूरी है, क्यू का भी, और नीचे क्या हो जाएगा, 3+2 5। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर आएगा 1440। 2400 में से लोकल जो स्टूडेंट है वो है 1440। तो क्यू का वैल्यू लिख देता हूं मैं, क्यू का वैल्यू फॉर द लोकल स्टूडेंट के लिए 1440। अब हमें किसका निकालना है, एस का, और किसका वैल्यू निकालना है, नॉन लोकल, यानी कि 3:3 ही रहेगा, 3:3 ही रहेगा इसका भी, लेकिन नंबर्स अलग होंगे। अब एस की वैल्यू कौन सी है, एस यानी कि ब्राउन वाली 12, तो 12 का निकालेंगे हम। अब इसे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस का कमी है, तो आ जाओ 12 अपॉन 100 इंटू 8,000 इंटू 8,000, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 8,000 है, जीरो से जीरो काट देंगे 80 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 960, टोटल नंबर स्टूडेंट 960 पढ़ते हैं स्कूल एस में। अब हमें रेशियो भी दिया गया है, तो रेशियो निकालना है नॉन लोकल स्टूडेंट का, नॉन लोकल स्टूडेंट क्या है, 3 इंटू 3
नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस 3 यानी कि 4। अब देखते हैं, ये हो जाएगा 1 नहीं 2, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 0। 4 0 4 16 और 4 9, हाँ 240 × 3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 720। 720, तो हम नॉन लोकल स्टूडेंट का वैल्यू क्या है, 720। अब रेशियो लगा दो बीच में, रेशियो का साइन, और सिंपलेस्ट फॉर्म करना हो तो 0 से 0 कट जाएगा। आप देख लो, 72 ones are 72 एंड 72 twos are 144, यानी कि 1:2 रेशियो यही होगा ना, 2 twos are 4। एक बार देख लेता हूँ मैं भी, 2 twos are 4 एंड 7 twos are 14, हाँ करेक्ट, 2:1 रेशियो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए 2:1 रेशियो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों ही टाइप बहुत ही अच्छे थे, देख लिए आप लोग। ऐसे करके आपका क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 1 मिनट एक क्वेश्चन को करने में। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा।